ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ वर्क वेती एती हो जम्मो है तो तो यहाँ पे ना मैं स्प्रे जो कर रहा हूँ वो पता किस चीज़ की स्प्रे है। एक्चुअली ना यहाँ पे घास बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर डर रहता है सांप वगैरह या कीड़े का किसी किसी भी चीज़ का, तो ऐसे डर रहता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाना। क्योंकि कल या परसों की बात है कि मैं मतलब पार्ले वाले काउ शेड पे गया था और वहाँ पे देखा जी हरा हरा सांप था एक, है ना। फिर वो 2 दिन वहीं पे रहा, फिर डर लगता है ना जी, इसलिए जो है ये घास को ख़त्म करने वाली स्प्रे है। तो इससे जो है वो घास ख़त्म हो जाएगा और फिर ऐसी जगह पे जो है वो सांप वगैरह जो है नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनके लिए जो है वो जब खुला दिखता है तो वो डरते हैं, तो वो ऐसे घास वगैरह में जो है छिप जाते हैं। तो यहाँ पे फिर घास ना हो, बरसात में ज़्यादा हरियाली ना हो इधर घर के आसपास, तो उसके लिए जो है मैं स्प्रे कर रहा हूँ और ये काउ शेड के पास भी जो है यही स्प्रे कर रहा हूँ। और यहाँ पे लग गया था जी, मैं इनके साथ हेल्प करवाने, एक्चुअली जो है इनको बहुत टाइम हो गया था ना ऐसे, तो मैंने सोचा कि छाप भी लगा लेता हूँ और इनके साथ जो है गुरुमाला भी फेर देता हूँ ताकि इनको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो काम करने से कुछ नहीं होता है, बेशक हमने ठेका दे रखा है तो भी अगर हम काम करते हैं तो जल्दी भी काम होता है और अच्छा भी काम होगा, है ना। तो इसलिए जो है मैं साथ में लग गया था इनके और थोड़ा थोड़ा जो है वो करते भी रहेंगे, साथ साथ में काम भी होता रहेगा और देख रेख भी हो जाएगी, है ना। इसलिए जो है मैं साथ में लगा था। जी राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है वो मिस्त्री सारा दिन नहीं आया है ना, और अभी ये वाला काम जो है बच गया है और तो तकरीबन बस करवा ही दिया समझिए आप। तो ये खुरली हो गई है यहाँ पे और अंदर भी दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये जी अंदर भी फर्श डल चुका है और जी ये देखिए, और यहाँ भी खुरली जो है वो बन चुकी है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो खुरली हमारी बन के भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे डल गए हमारे, ओके हो गया। और ये देखिए खूंटे जो है, ये देखिए पत्थर के खूंटे लगाए हमने सारे, और पर जो है मिस्त्री नहीं आ रहे हैं अभी भी, फिर दोबारा से नहीं आए हैं। बस ये वाला काम जो है बच गया है, बस जैसे तैसे जो है ये काम निकालना है और फिर जो है आराम ही करते हैं, मरने दो फिर काम भी क्या ही करना है ना। अब जैसे जैसे पैसे होंगे वैसे वैसे जो है वो काम करते रहेंगे। और यहाँ पे रास्ता भी बन गया है यहाँ तक का, है ना। ये देखिए यहाँ से पशु आते जाते थे तो यहाँ पे ना बहुत कीचड़ जैसा होता था, कच 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 रहती थी, फिर यहाँ जो है वो घास भी रहती थी, फिर कर दिया यहाँ पे भी थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए जी आप, यहाँ पे भी हमने जो है ये देखिए
यहाँ पे भी हमने जो है वो थोड़ा सा ऐसे पक्के कर दिया, क्योंकि यहाँ भी घास रहता था और यहाँ पे भी चलना हमारा जो है वो तकरीबन तकरीबन था ही था। और ये टोके वाला कमरा है तो यहाँ पे भी फर्श नहीं था। तो ये देखिए जी, अभी हमने जो है वो यहाँ पे भी फर्श डाल दिया है। ये देखो हमारा टोके वाला कमरा भी थोड़ा ठीक ही हो गया है। और यहाँ पे पता क्या है जी, अब हमारा जो है वो घास हम झाड़ू लगा के जो है वो बिल्कुल निकाल दिया करेंगे। नहीं तो कई बार पता क्या होता था, धूल जैसी लगती थी ना, मिट्टी जैसी, तो उससे जो है वो थोड़ा, देखो क्या काम करते हैं लोग, ये भी बराबर नहीं किया हुआ, ये देखो ये बैठा था यहाँ पे है ना। और थोड़ा मूड भी अपसेट है ऐसे कि काम जो है कितना लंबा हो गया है ना, कुछ काम न इतना काम नहीं था जितना जिस दिन लग गया। थोड़ा सा मौसम भी ख़राब रहता था और कुछ ये भी मिस्त्री लोग जो है अपने दिमाग के हैं, तो बस जैसे तैसे जो है निकल ही गया, थोड़ा सा ही काम बचा है। और कुछ और भी सोच रहा था तो पता नहीं क्या क्या सोच जाती है दिमाग में ना। हम अपने देखो ना, पता क्या ज़िंदगी में ना बहुत कुछ करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में है ना, पता नहीं क्या क्या संघर्ष करते हैं है ना, कैसे कैसे करते हैं। और फिर अपने अजीज से अजीज भी जो है वो जवाब नहीं देते, मतलब ना जवाब दे ही देते हैं समझ लो आप कि सब कुछ आपका, मतलब सीधी बात ये है कि आपका अगर टाइम अच्छा है तब आपके साथ सभी खड़े हैं, अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है तो कोई आपके साथ ना खड़ा होगा ना है कोई है ना। तो बस ज़्यादा क्या ही बोलना, ऐसे ही मूड ऑफ था तो थोड़ा सा उबाल जो अब निकालना पड़ता है ना, तो ऐसे ही निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कुछ भी कर ले मतलब इंसान किसी के लिए भी, और फिर वो फिर दोबारा से बुरा तो बुरा ही है वो है ना। और फिर बारिश लग गई और बोला था उन्होंने कि आना है अभी, तो बस आ गए वो समझ लो, अब भी पहुंच गए। अब बारिश लग गई, अब क्या ही करना है ना, बाहर का काम है, मरने दो सिपा। अब कल फिर पंगा रह गया, दिमाग ख़राब हो जाता है जी, क्या करें। चलो ठीक है जी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जी और आगे से आगे शेयर भी करिएगा जी, आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए वही काफ़ी है। तो बस ऐसे ही चला है जी कार्यक्रम, क्या पता ज़िंदगी ऐसे चलती होगी है ना, सभी की अपनी अपनी मजबूरी, अपने अपने विचार है ना, क्या पता क्या होगा। अभी ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा ना, जब हम और बूढ़े हो जाएंगे है ना, कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या ही करेंगे लोग है ना। छोड़ो रे, अभी तो जी लो जितने हैं दिन उतने तो जी लो ढंग से है ना। चलो ठीक है जी, देखिए आप देख पा रहे होंगे टी शर्ट पे जो है वो बारिश की छींटे लग रहे हैं ना, तो बारिश लगी अभी और अभी दौड़ रहा हूँ घर की ओर है ना, बारिश ठीक ही लग गई है तकरीबन। और अब उसको भी दिख रहा होगा कि अब क्या जाऊँ मैं, अब तो बारिश लग गई है ना, तो अगर होता अंदर का काम है ना तब तो चल पड़ता, अब बाहर का काम है तो कैसे चलेगा। ओ पीछे देखो कितना अच्छा लुक आ रही है, और देखो व्यू अच्छा आ रहा है ना पीछे, और यहाँ पे भी देखिए, पर धुंध है चारों साइड, बारिश लग रही है और बरसात जो है अपने जोरों पे है, और हम जो है हम भी जोरों पे है ना, क्योंकि जितना दुख होगा उतना जोर आएगा। हो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, सोचते रहता है हर लोग, ये सोचते हैं है ना। तो भाई अभी भीग गया हूँ सारा, गया हूँ मैं अपने कमरे में आके, और बाहर बारिश लगी है, फिर बस ऐसे ही बैठा हूँ अकेले।
बस कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। और भाई अभी यहीं पे मैं वीडियो का एंड भी कर दूंगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करिएगा। और जो नया कोई जुड़ा है मेरा भाई मेरे साथ, तो वो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे क्या ही कहूँ, बरसात जो है ठीक ठाक हो रही है। चलो ठीक है जी, ओके बाय। सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। हिमाचल में जो है बहुत जगहों पे बाढ़ आई है, बहुत जगहों पे पूरे पूरे पहाड़ जो है वो स्लाइडिंग हो चुकी है ना, हर एक जगह पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो भगवान सभी को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे। और यहीं साथ में पीपलू घाट से थोड़ी सी आगे एक बखालक नाम जगह है, आज सुबह ही वहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान गिरी है, तो जान तो तकरीबन सभी की बच गई, कोई पशु नहीं मरा, कोई मतलब इंसान को भी कोई चोट नहीं आई या कुछ और नहीं हुआ, लेकिन एक दो घर जो है वो टूट गए, बिल्कुल टूट गए, चकनाचूर हो गए। तो भाई ऐसा ऐसा भी हो रहा है पहाड़ों में, तो और ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, और प्लेन एरियो में पानी भर रहा है ना, वहाँ पे भी बाढ़ आ रही है, क्योंकि पहाड़ों का जो भी पानी होता है ना वो प्लेन एरियो में जाता है ना। तो भाई पता नहीं क्या क्या होगा, बस भगवान से यही दुआ है कि सभी ठीक रहे, सुरक्षित रहे, है ना, और किसी का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए जी, ओके बाय, सी यू। दोबारा से कह रहा हूँ कि अपना अपना ध्यान रखिएगा।